अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ राबे हसन, यू आर वाचिंग एंटरटेनमेंट पाकिस्तान। आज हम रिव्यू करने लगे हैं फिल्म नायाब का। इसे लिखा है अली अब्बास नकवी ने और बासित नकवी ने। अली अब्बास नकवी ने पहले भी एक फिल्म लिखी थी, उसका नाम था लाल कबूतर। 2019 में ये फिल्म आई थी। इट वाज अ क्राइम थ्रिलर, ज़रा आरटीसी फिल्म थी, और अब उन्होंने नायाब लिखी है। और कैनिस फिल्म्स की ये प्रोडक्शन है इन एसोसिएशन विद नाम फिल्म्स। उमर नासिर अली ने इसको डायरेक्ट किया है, हु इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ नाम फिल्म्स। और इसकी कास्ट में शामिल हैं जी यमुना जैदी, उसामा खान, मोहम्मद फवाद खान, इसमें जावेद शेख हैं, हुमा नवाब हैं, फिर इसमें एक कैमियो अपीयरेंस है अदनान सदीकी की, एक गेस्ट अपीयरेंस है फरियाल महमूद की, उनका एक डांस नंबर है शादी का, जिस तरह गाना होता है फ्रॉम यू नो मसाला पॉइंट ऑफ व्यू डांस नंबर है उनका। फिर इसमें एक छोटा सा रोल है एहतशामुद्दीन का भी। एहतशामुद्दीन जो है वो पिछले दिनों बड़े पॉपुलर हुए हैं काबली पुलाव से, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने उसमें एक्टिंग की थी, और इसमें भी उनका बड़ा अच्छा काम है। इवन दो कि उनका स्क्रीन टाइम बहुत कम है, बट इस प्लेयर इज़ पार्ट वेरी वेल। और फिर इसमें हैं जी नौरीन गुलवानी। सो ये एक बेसिक कास्ट है नायाब की। फिल्म का ट्रेलर मैंने देखा जी सिनेमा में, एंड आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस फिल्म, क्योंकि एक तो मुझे इसका सब्जेक्ट मैटर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, अ गर्ल हु इज़ पैशनेट अबाउट क्रिकेट। और ये एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी डिफरेंस ही है, क्योंकि हमारे माशरे में तो क्रिकेट को एसोसिएट किया जाता है विद मैन, और वैसे भी ओवरऑल पूरी दुनिया में कुछ ऐसा मामला है कि यू नो इट्स अ काइंड ऑफ स्पोर्ट दैट्स एसोसिएटेड विद मैन, और समझा जाता है कि लड़कियों का ये खेल नहीं है। सो एक ये भी एक इसमें एस्पेक्ट था कि अच्छा वो स्टीरियोटिपिकल जो एक नॉर्म्स हैं उनको ब्रेक करने की कोशिश की गई है इस फिल्म के अंदर। और अगर हम देखें तो वुमेन लेड फिल्म्स या फीमेल ओरिएंटेड फिल्म्स का, या जनरली वैसे भी यू नो यू कैन सेंस दैट देयर इज दिस चेंज इन द एयर ओवरऑल ग्लोबली भी, जहाँ पे औरत की एम्पावरमेंट की बात की जाती है, उसकी अथॉरिटी की बात की जाती है, उसकी चॉइसेस की बात की जाती है, वो क्या चाहती है इस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। फिर हमारे यहाँ औरत मार्च होता है, सो यू नो दीज थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड अस एंड ग्लोबली ऑल्सो। तो उसको लेके ज़ाहिर है इसमें एक है वो एस्पेक्ट के इट्स अ फीमेल लेड फिल्म, तो ये सब्जेक्ट मैटर मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। सो आई वाज हाईली यू नो एंटिसिपेटेड कि मैंने देखनी है ये फिल्म। लेकिन आई वुड से कि जब ये फिल्म देखी मैंने, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि डिड नॉट लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ट्रेलर दैट आई हैड वॉच्ड। और उसकी कुछ तफसील मैं आपको बयान करती हूँ। फिल्म जब शुरू होती है, जो इसका ओपनिंग सीन है, उसने काफ़ी मुझे डिसअपॉइंट किया, क्योंकि आप जब जो ट्रेलर था मेरे दिमाग में उसके मुताबिक मेरे जहन में ये चीज़ थी कि यू नो इट्स अबाउट अ स्पोर्ट, और उसी के मुताबिक शायद कोई सीन ओपन होगा, बिकॉज फिल्म होती तो अनरियल है ना, इट्स फिक्शन, इट्स नॉट रियल, यू आर ट्राइंग टू डिपिक्ट रियल लाइफ थ्रू अ डिफरेंट थ्रू एन अनरियल मीडियम। तो उस सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ में लेके जाने के लिए आपको शुरू से ही वो एक प्रेमिस, एक टोन सेट करनी पड़ती है थ्रू योर ओपनिंग सीन। लेकिन इस फिल्म के अंदर जो ओपनिंग सीन था वो टोटली डिफरेंट था। आई मीन काफ़ी देर तक हम लोग ये सोचते रहे कि अच्छा यार ये इसमें क्यों ये सीन हमने देखा है स्टार्ट में। कराची के हालात से हम सब वाकिफ़ हैं कि एक अनरेस्ट की सिचुएशन है, या केओस होता है, या छीना झपटी होती है, मारामारी होती है, हम सब इससे वाकिफ़ हैं। लेकिन इस फिल्म के अंदर ओपनिंग सीन इस तरीके का दिखाने का क्या मकसद था वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। इवन दो लेटर ऑन जाके उसके कुछ कनेक्शंस बनाए हुए हैं आफ्टर द इंटरवल मच लेटर, लेकिन स्टिल आई फेल्ट के वो बिल्कुल एक अननेसेसरी एक सीक्वेंस था जो इसमें ऐड किया गया। तो ये जो एक डिसअपॉइंटमेंट थी, इट काइंड ऑफ कैरीड ऑन थ्रू आउट द फिल्म। फिल्म की कहानी की अगर एक टोटैलिटी में मैं बात करूँ, तो आई थिंक इट्स मोर अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ सिबलिंग्स, टू सिबलिंग्स, बहन भाई की कहानी है। भाई किस तरह से सपोर्ट करता है अपनी बहन को उसके इंटरेस्ट के लिए, उसके पैशन के लिए, उनका आपस में क्या बॉन्डेज है, क्या सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, कैसे उनका रिलेशनशिप के क्या चैलेंजेस हैं उनके सारे यू नो उनके इर्द गिर्द जो भी सारी सिचुएशन सारा मामला चल रहा होता है, और यू नो हाउ दे बिकम अ पिलर फॉर ईच अदर, कुछ इस तरह के मामला जो हैं वो मुझे लगा कि वो ये है कहानी उसके बारे में। एंड क्रिकेट इज़ काइंड ऑफ अ सब प्लॉट के एक डिवाइस के तौर पर यूज़ किया गया उसे फिल्म के अंदर। तो ये एक मुझे चीज़ लगी। और सब प्लॉट जो है खाली एक नहीं था, बल्कि बहुत सारे थे, देयर वर मल्टीपल ट्रैक्स जो के साथ साथ चल रहे थे, जिसकी वजह से आई डू फील के बहुत ज़्यादा डिसओरिएंटेशन हो रही थी,
डिसजॉइंटेड स्टोरी फील हो रही थी थ्रू आउट, कि आप अगर एक सीन के साथ अगर आप कोई कनेक्शन बनाने की कोशिश करते भी हैं, आप उसमें पूरा घुस जाते हैं, खुब जाते हैं, आपका फोकस उसमें होता है, तो फिर अचानक से वो कट होकर आप दूसरे ट्रैक पे आपको ले जाया जाता है. सो आई थिंक बड़ा एक ट्रिकी सा एक सारा मामला होता है स्क्रीन प्ले का, कहानी का, फिल्म का जो स्क्रिप्ट होता है बड़ा एक इंटेग्रल पार्ट होता है फिल्म का. तो आई डू फील कि इसमें ज़ाहिर है आपको बड़ी कुछ आप इंटेलिजेंट चॉइसेस लेते हैं एंड देन देर आर नॉट सो इंटेलिजेंट चॉइसेस जो फिल्म मेकर को लेनी पड़ती है. सो कुछ इसी किस्म का मामला था इस फिल्म के साथ. एक्टिंग के हवाले से बात करूँ तो इसमें जो है यमुना ज़ैदी का क्योंकि मेन रोल है, मेन लीड में वो हैं, शी इज़ द मेन प्रोटैगनिस्ट, तो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने इसमें काम किया है. शी इज़ एक्टेड रियली वेल. बड़ी वेरिएशन थी उनके इस कैरेक्टर में थ्रू आउट इमोशंस की, और वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने उसको कैरी किया थ्रू आउट द फिल्म. इसमें एक स्टबर्न मनमानी करने वाली एक अग्रेसिव लड़की का एक कैरेक्टर है, सो वो उन्होंने बड़ा अच्छा प्ले किया. लेकिन इसमें मुझे ये लगा कि जो उनके क्रिकेट खेलने वाले जो सीन्स थे उनमें ये फीलिंग आ रही थी कि उनको प्रॉबेबली वो ट्रेनिंग उनको एज सच नहीं दी गई फील्ड के अंदर एज अ क्रिकेटर. वो उनकी ट्रेनिंग एक मिसिंग एक उसमें एक चीज़ नज़र आ रही थी, जो ख़ास तौर पे जो सीन्स फील्ड के अंदर जो शूट हुए हुए थे थ्रू द एडिट, यू नो वन कुड टेल कि जिस तरीके से आप उस उन सीन्स को एडिट कर रहे हैं वो पता चल रहा है कि क्योंकि ट्रेनिंग नहीं हुई हुई तो आप यू नो यू कट शॉर्ट द यू नो द सीन. तो ये एक कमी मुझे लगी. फिर दूसरे नंबर पे जिसकी एक्टिंग जिनकी एक्टिंग बहुत ही कमाल थी, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, वो है मोहम्मद फवाद खान की एज अकबर, जो यमुना ज़ैदी के भाई का रोल प्ले किया. उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त उनकी डायलॉग डिलीवरी थी, फेशियल एक्सप्रेशंस थे, बहुत अच्छा उनका कैरेक्टर था. बट इस कैरेक्टर के साथ भी एक ऐसा इंसिडेंट अटैच कर दिया उन्होंने लेटर ऑन इन द फिल्म, जो कि मुझे लगा बहुत ही अननेसेसरी था. वो अगर आप पार्ट ना रखते फिल्म के अंदर तो उससे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ा था. उसे एक इमोशनल हुक दिया आपने उस इंसिडेंट के थ्रू, इट डिड क्रिएट दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग, लेकिन वो ज़रूरी नहीं था उस कैरेक्टर के साथ वो उस इंसिडेंट को अटैच करना इस तरीके का, यू नो ये मुझे लगा कि कुछ थोड़ी ज़्यादती मुझे लगी उस कैरेक्टर के साथ. फिर इसमें उसामा खान का जो रोल है वो नायाब के यमुना ज़ैदी के लव इंटरेस्ट के रोल में आपको नज़र आते हैं, तो उनका कैरेक्टर जो था इट वॉज़ नॉट अ वेरी वेल थॉट आउट कैरेक्टर. उनके कुछ स्टार्टअप बिजनेसेस दिखाए गए हैं उसके अंदर जो कि वेरी अनरिजॉल्व, कोई जिक्र नहीं आप सुनते उसका बाद में फिल्म के अंदर के क्या हो रहा है. सो वो भी एक ऐसा ही कैरेक्टर था जो कि साइड रोल, मुझे याद है हम पहले फिल्मों में ये कहा करते थे कि उसका साइड रोल था, उस वक्त हम सपोर्टिंग रोल नहीं कहा करते थे, तो मुझे लगा ये बिल्कुल साइड रोल जिस तरह होता है एक, वो ऐसे ही बस यू नो फॉर द सेक ऑफ इट डाला हुआ था फिल्म के अंदर. फिर इसमें जावेद शेख और हुमा नवाब जो हैं वो यमुना ज़ैदी के पेरेंट्स के कैरेक्टर में हमें नज़र आते हैं, नायाब के पेरेंट्स के कैरेक्टर में नज़र आते हैं. और जावेद शेख का इसमें जो रोल है एज अ फादर हु इज़ अ वेरी प्रोटेक्टिव फादर, बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, इज़ वेरी कन्विंसिंग एंड सो इज़ हुमा नवाब. फिर इसमें जी हैं नौरीन गुलमानी, और उन्होंने भी इसमें अपना कैरेक्टर जो है बड़े कन्विंसिंग तरीके से पोर्ट्रे किया है. अदनान सिद्दीकी जो हैं उनकी कैमियो अपीयरेंस है, और एक यू नो सेलेक्टर के रोल में वो उसमें हमें ही इज़ यू नो इज़ परफॉर्म्ड वेल. फिर जो एहतशामुद्दीन हैं उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त, इसमें कम स्क्रीन टाइम है लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि उनका बड़ा ज़बरदस्त उनका स्टाइल था, एक मैनिपुलेटिव एक्सप्लॉयटेटिव जिस तरह एक वो बीच में सेलेक्टर होता है मिडिलमैन होता है उसका रोल उन्होंने प्ले किया. सो ओवरऑल एक्टिंग को अगर हम देखें तो इट्स काइंड ऑफ 10/10, सब ने अपना पार्ट जो है वो बड़े अच्छे तरीके से प्ले किया. फिल्म में सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो इट्स ओवरऑल गुड, कुछ सीन्स बड़े अच्छे शूट हुए हुए हैं. कैमरे की जो मूवमेंट है जो ट्रांजिशन है वो बड़ी स्मूथ है, खासतौर पे जो गिम्बल पे शूट हुए हुए सीन्स हैं, यू नो हाउ द कैमरा मूव्स फ्रॉम वन रूम टू द अदर, वो बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी. फिर रिएक्शन शॉट्स जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से कैप्चर किए गए हैं, सो सिनेमेटोग्राफी इज़ ओवरऑल गुड. एक्सप्रेशन कैप्चर करने में बड़ा अच्छा, यू नो देर आर सर्टन सीन्स जो कि बड़े अच्छे तरीके से कैप्चर हुए हुए हैं. फिल्म में 5-6 गाने भी हैं, एक तो फ़रियाल महमूद के ऊपर जो पिक्चराइज हुआ हुआ है, और बाकी जो हैं द काइंड ऑफ प्ले इन द बैकग्राउंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन.
और एक एंड में जाके गाना आता है विच इज़ काइंड ऑफ यू नो इट गिव्स यू दैट पैट्रियाटिक एक आपके अंदर एक फील लाने के लिए इट्स अ फील गुड जैसे होते हैं सॉन्ग्स उस तरह की उस गाने की एक वाइब है सो उस टाइप का है सो ओवरऑल आई वुड लाइक टू से कि इस फिल्म के अंदर बहुत पोटेंशियल थी एक तो ये फीमेल लेड फिल्म थी फिर इसका टाइटल मुझे बड़ा अच्छा लगा था नायाब लेकिन आई वुड से कि इस टाइटल की लाज नहीं रखी फिल्म ने उसके अंदर एक जो लाइन आती है जब वो कहती है कि जिसमें पता चलता है कि वो इंडिया को हराना चाहती है ये इतनी बड़ी लाइन थी आपके पास लेकिन आपने इस यू नो इस आइडिया को एक्सप्लोर नहीं किया इसकी बेस पे अगर फिल्म बनती और इसी के ही सारी चीज़ों को लेके एक्सप्लोर किया जाता तो फिल्म यू नो वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट सो ये मुझे लगा आप साइड बाय साइड इतने सारे ट्रैक्स थे जो कि इस चीज़ से सारा हट गया हुआ था ऐसे लग रहा था जैसे डिफरेंट एपिसोड्स हैं आप ड्रामे के डिफरेंट एपिसोड्स हैं और उसके अंदर से छोटे छोटे चंक्स निकाल के जोड़ के एक फिल्म बनाने की कोशिश की गई है असल जो मुद्दा है जो कि हमें खुद भी फिर समझ नहीं आया कि वो असल मुद्दा एक्चुअली है क्या उससे जो है वो क्रिकेट का जो एक पॉइंट था उससे फिल्म बड़ी इधर उधर हटी हुई लगी बट एनीवेज फिल्म इज़ रनिंग इन सिनेमाज आप लोगों ने अगर नायाब देखी है तो आप अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिए डू लेट अस नो योर ओपिनियंस योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो